आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके 12th के चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपने जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि फ्लावर के ऊपर था, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंथर के अंदर उनके एंथर वॉल की, फॉलन एंड फॉर्मेशन की। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने डाउट्स हैं मैं क्लियर करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बारे में। तो जरा एक बार हम एंथर के स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं, राइट? तो एंथर के स्ट्रक्चर में अपन ने बात करी थी, जैसे ये हो गया इस तरह से, राइट? तो एंथर में क्या होता है कि ऐसे यहां पर जो एंथर में ना, एंथर में यहां पर ये लेयर होती है, जिसको आप बोलते हो हाइपोडर्मिस लेयर। और इस हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर एक सेल ऐसी होती है जो बहुत ही यूनिक होती है, और उस सेल का नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल। उस सेल का नाम क्या होता है? आर्किस्पोरियल सेल। दोबारा सुनते हैं कि भैया यहां पर एंथर की वॉल में लेयर होती है हाइपोडर्मिस, और इस हाइपोडर्मिस के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल, वो पाई जाती है। और अब हम जरा बात करते हैं कि आर्किस्पोरियल सेल में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो मुझे डायग्राम को रफ करना पड़ेगा, राइट? हाँ भाई, तो ध्यान से देखना इस खूबसूरत डायग्राम को जो मैं बनाने वाला हूं, कि ये हो गया आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है ना? आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद दो सेल बनते हैं, एक सेल टुवर्ड द इनर साइड, माने टुवर्ड द इनर साइड, और एक सेल जो टुवर्ड द आउटर साइड। जो सेल अंदर की तरफ बनती है इसे बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस सेल। और जो सेल बाहर की तरफ बनती है उस सेल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम लोग पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल। क्योंकि माइटोसिस हुई है इसीलिए यहां पर दोनों की प्लॉयडी सेम होगी, प्लॉयडी में कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं, राइट? अच्छा, देन बात करते हैं यहां पर, अगर मैं दिखाऊं डायग्राम से, तो बस आप ये मान लीजिए कि ये बन गया तुम्हारा पेराइटल सेल बन गया, और टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा स्पोरोजिनस सेल बन गया, ठीक है ना? ये सेम चीज हर कॉर्नर पे चल रहा होगा, मैं एक ही साइड का दिखा रहा हूं अभी। जो पेराइटल सेल है और जो स्पोरोजिनस सेल है, भैया देखो क्या होगा, ये माइटोसिस करेंगे और सेम सेल डिवीजन ये भी करेंगे। अब आप जानते हो माइटोसिस करने से मल्टीप्लीकेशन होती है, एक से दो, दो से चार, करते करते बहुत सारे सेल बन जाते हैं। सो स्पोरोजिनस सेल जो पहले एक था, जब माइटोसिस करता है तो माइटोसिस करने से इसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अब हम क्या बोलते हैं, अच्छा इतने समझदार तो आप हो ही कि आप जानते हो स्पोरोजिनस सेल का जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई, क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि पहले एक सेल था, अब क्या हो गया, अब हो गया पूरा का पूरा टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। लेकिन जो पेराइटल सेल है, कम तो ये भी नहीं है, पेराइटल सेल माइटोसिस करके यहां पे थ्री डिफरेंट लेयर की फॉर्मेशन करता है। उन लेयर के नाम मैं आपको लिख देता हूं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेयर को, बस अभी आप लेयर के नाम याद रखेंगे, ठीक है? वो बाद बताऊंगा लेयर के नाम कौन, मतलब उनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले लेयर बनाता है ये एंडोथीशियम, जो कि आउटर साइड पे होती है, माने बाहरी एरिया में होती है। जो बाद में लेयर बनती है मिडल लेयर, इसको बोलते हैं मिडल लेयर, और जो लास्ट में जो इनर मोस्ट बनती है इसको बोलते हैं टैपेटम। मतलब ये समझ लो आप कि यहां है ना, मतलब सेम चीज यहां भी चल रही है। तो मैं दिखाता हूं तुम्हें, एंडोथीशियम ये ब्लू वाली हो गई, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, ये मिडल लेयर होगी रेड वाली, और अंदर कौन सी आएगी, अंदर आएगी ये वाली टैपेटम, ठीक है? और यहां पर ऐसे पूरा ढेर लगा होगा टिश्यू का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा भाई ये सुनो,
तो अब जरा बात करते हैं कि इन स्पोरोजिनस सेल के अंदर क्या आगे कहानी कंटिन्यू होने वाली है। देखिए, ये जो स्पोरोजिनस सेल है, यही स्पोरोजिनस सेल आगे मैच्योर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया स्पोरोजिनस सेल। अब मान लीजिए ये 2 साल का बच्चा है। अब जैसे 2 साल का बच्चा 20 साल के या 25 साल के एक 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 जवान में कन्वर्ट होता है, मतलब जो इस तरह का अपने में दिखता है ना, मतलब ग्रोथ दिखता है ह्यूमन में। 2 साल से बच्चा 25 साल का हो गया, सेम वही बच्चा तो वही है, अलग तो नहीं आया। सेम बच्चा 2 साल का जब ये मैच्योर होगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छे से ग्रो कर जाएगा, तब इस सेल का हम नाम चेंज कर देते हैं। अब इस सेल को स्पोरोजिनस सेल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मम्मी सेल, माने माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आप जानते हैं मदर सेल अगर किसी के पीछे लग जाए इसका मतलब क्या होता है? भैया मदर सेल का लगने का मतलब होता है कि कोई सेल मियोसिस करने जा रही है। ये मदर सेल लगने का पूरा एक इशारा होता है कि ये सेल मियोसिस करने जा रहा है। तो किसी भी सेल के पीछे अगर मदर सेल लग जाए ना, समझ जाना वो मियोसिस करेगा, मतलब करेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, चिंटू की मम्मी के बेटे का नाम क्या होगा? चिंटू की मम्मी के बेटे का नाम होगा चिंटू। सेम यहां पर लगाना, इससे जो सेल बनेंगे उन सेल का नाम क्या होगा? भैया हमने इसको बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी है, तो इसके बच्चे का नाम क्या होगा? बच्चे का नाम होगा इसके माइक्रोस्पोर। याद रख लेना, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल माने बनने वाले सेल का नाम क्या होगा? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं बारी। आर्किस्पोरल सेल माइटोसिस डिवाइड कर गया, एंड देन बनाएगा बाहर की तरफ पैराटल, अंदर तरफ स्पोरोजिनस सेल। ये बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, वो बनाएंगे बाहर की एंथर की वॉल। कौन कौन सी? एंडोथीशियम, मिडलेयर एंड टैपेटम। मैं फंक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज की, इनके जो सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं और क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, एंड देन वो बनाएंगे आगे चल के माइक्रोस्पोर। कैसे बनाएंगे? अब अपन इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं। हाँ भाई, सो आइए बात करते हैं। चलो देखो, ये हो गया माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल, माने एमएमसी। ठीक है, अब यहां पर ये क्या करता है? मियोसिस करता है, मियोसिस। ठीक, और मियोसिस करने के बाद यहां पर बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, जिसको आप अभी नाम थोड़ा अलग देना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। बट ये बट अलग है। ये जो सेल है इसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर, वही ना चिंटू की मम्मी के बेटे का नाम, देख लो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माने माइक्रोस्पोर की मदर सेल है, तो बनने वाले सेल का नाम तो माइक्रोस्पोर होगा। लेकिन ध्यान देना भाई, शुरू में ये जो माइक्रोस्पोर है 1 2 3 4, ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में इकट्ठे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। भाई इन चारों का मन नहीं है साथ रहने का, इनको अलग ही रहना, लेकिन इनके बाहर एक ऐसी लेयर है जिसने इन चारों को कवर पैक कर रखा है, और वो लेयर इनको अलग होने नहीं दे रही। इस लेयर का नाम है कैलॉस वॉल। कैलॉस वॉल की वजह से ये चार माइक्रोस्पोर अलग नहीं हो पाते, इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम पड़ गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड मीन समझते हो ना क्या होता है? टेट्राड मीन चार, भैया चार माइक्रोस्पोर है। अच्छा मैं पहले बता रहा हूं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं, ये चार तो माइक्रोस्पोर हो गए, ये माइक्रोस्पोर माइक्रो, लेकिन जब चारों को मिला दूंगा तो ये पूरा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, ये पूरा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया। अच्छा 10 माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर आएंगे? 40, क्योंकि एक में 4 आ रहे हैं, 10 में कितने आएंगे? IIT लेवल की मैं से लगा लेना, क्लियर? तो यहां पर ये हुआ टेट्राड, और ऐसा ही नहीं, कुछ टाइम बाद ये कैलॉस वॉल यहां से डिसॉल्व हो जाती है, और जब डिसॉल्व हो जाएगी तो डिसॉल्व होने के बाद ये चारों बेचारे जो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे की शक्ल देख के रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे, अब ये चारों फ्री हो जाएंगे, अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा।
तो जब कैलोस की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, कैलोस की वॉल डिसॉल्व हो जाती है माने ख़त्म हो जाती है, तो इसे ख़त्म होने के बाद अब ये चारों माइक्रोस्पोर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद ये जो हैं माइक्रोस्पोर, इनके अंदर अब स्टार्ट होती है डेवलपमेंट। क्या होती है? स्टार्ट, डेवलपमेंट शुरू होती है। तो आइए बात करते हैं डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर के बारे में, राइट। सो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट हम दो तरह से देखते हैं, एक नंबर ऑफ सेल के बेस पे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं उस बेस पे, दूसरा लेयर के बेस पे, ठीक है, इनके पे जो लेयर्स आती है ना एग्जेनेंटाइन उसके बेस पे। तो पहले बात करते हैं किससे बात करें, नंबर ऑफ सेल पे, चलो नंबर ऑफ सेल पे बात करते हैं। ये माइक्रोस्पोर है, इसके पास एक न्यूक्लियस था, तो भैया अब ये कर जाता है माइटोसिस, और माइटोसिस से करने के बाद दो इसमें बनते हैं अनइक्वल न्यूक्लियस। क्या बनते हैं? अनइक्वल न्यूक्लियस। और अनइक्वल न्यूक्लियस माने यहाँ पे हुआ अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस, एंड उसके बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस भी होता है, माने न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटा जो कि अलग अलग है, एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव न्यूक्लियस, एक बहुत स्मॉल न्यूक्लियस, और यहाँ पर होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे दो सेल बनते हैं बड़े बड़े, मतलब एक बनता है बड़ा और एक बनता है छोटा सा। तो जो सेल छोटा सा बना है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। हालांकि इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप समझते हो ना क्या होता है, जिसके एंड दोनों पॉइंटेड हो उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखना होगा बट देख ही लो तुम, बोलोगे बाद में, स्पिंडल शेप, ठीक है। और ये ऊपर वाला सेल हो गया वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस हो गया उसका नाम भी क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया जनरेटिव न्यूक्लियस, इसका पड़ गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। याद रखना वेजिटेटिव न्यूक्लियस का साइज हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव वन, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है वेजिटेटिव सेल का साइज इतना बड़ा है क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो भैया वेजिटेटिव सेल के पास वैक्यूल है जिसकी वजह से इसका साइज इतना ज्यादा मैसिव है। और एक बात और, एक चीज और देखना, वेजिटेटिव वाले के पास रिजर्व फूड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बेचारे इसके पास रिजर्व फूड बहुत कम होता है। तो इसके पास रिजर्व फूड ज़्यादा होता है, इसका रिजर्व फूड कम होता है, इसके सेल का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसके इसका साइज छोटा होता है, उसके पास न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस छोटा, उसके पास वैक्यूल है इसके पास वैक्यूल नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा एक बात और, जनरेटिव सेल देन एंटर कर जाता है कुछ टाइम बाद इनटू वेजिटेटिव सेल ताकि ये न्यूट्रिशन वगैरह वहाँ से प्रॉपर ले सके, क्योंकि इस पर इतना न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं कि सर्वाइव कर जाए। तो सर्वाइव करने के लिए से कहाँ एंट्री लेनी पड़ जाती है, इनटू द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड देन जब वहाँ एंट्री लेता तो एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह का डायग्राम बनता हुआ आपको दिख सकता है, इस तरह का। ये हो गया वेजिटेटिव सेल, पूरे पे कब्जा करके बैठा है, और ये रहा बेचारा गरीब सा जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक फंक्शन पूछते हैं भाई, राइट द फंक्शन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल कह लो। तो भैया इसका फंक्शन एक ही है, मेल गैमिट फॉर्मेशन, माने ये मेल गैमिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, माने जी से जनरेटिव, जी से गैमिट फॉर्मेशन। तो गैमिट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, जनरेटिव सेल आपके हेल्प करते हैं, ना कि वेजिटेटिव सेल। अब भैया ये तो देख बताता हूँ मैं, ये आगे चल के ना पॉलन ट्यूब बनती है, तो पॉलन ट्यूब में इसका एक रोल आता है, बताऊंगा क्या रोल आता है वो बताऊंगा आगे, बट पॉलन ट्यूब में इसका रोल आता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ये विचार है इसको फूड सप्लाई करेगा थोड़ा बहुत, बाकी सिर्फ एक अभी के लिए कुछ इसकी खास इंपॉर्टेंस वो आगे इंपॉर्टेंस की आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे दो सेल। अब मुझे बताना कि अभी इस पॉलन गेंद में कितने न्यूक्लियस हैं, या कह लो कितने सेल हैं, कितने सेल हैं? अगर आप देखो ध्यान से तो आपको यहाँ पे दो सेल मिल रहे हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो इसमें दो सेल हैं इसलिए इसको बोलते हैं टू सेल शेडेड स्टेज। लेकिन कुछ पॉलन ग्रीन के अंदर उनका जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है, और जिनके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है उनके अंदर पता है क्या होता है, उनके अंदर ऐसा होता है, उनके अंदर ऐसा हो जाता है। अब देखो, आप जानते हो मेल गैमिट
सेल ही होते तरह से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने सेल हो गए, वेजिटेटिव का एक हो गया, ये दो, ये तीन, क्योंकि एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, एमएमसी से जब बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से लेके हैप्लोइड की कहानी चालू हो गई थी, माने उस टाइम से लेके अब तक हम जितना पढ़ रहे हैं ये सब हैप्लोइड है, सब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था ना वहां से हमारा हैप्लोइड चालू हुआ था और यहां तक अभी सब हैप्लोइड ही चल रहा है, इसको आप पहले से याद रखना इस चीज को, क्लियर। अच्छा यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्री सेल शेडेड स्टेज, क्या बोलेंगे, थ्री सेल शेडेड स्टेज, इसको क्या बोलेंगे, टू सेल शेडेड स्टेज। तो ऐसा होता है जी, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इस स्टेज पर रिलीज होते हैं और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में टू सेल के स्टेज पर रिलीज होते हैं। सवाल है याद कैसे करें, भूल गए, मान लो अपन लिख दिया 60 लिख दिया, 40 लिख दिया, आसान है, 120 याद कर सकते हो ना, बस करना क्या है, दो और तीन लिख देना है, क्या लिख देना है, दो और तीन। अब ये क्या मैंने बता दिया, दो को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, 60, तीन को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, 40, माने 40% के अंदर थ्री सेल स्टेज और 60 के अंदर टू सेल की स्टेज चाहिए होती है, मतलब उनके 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 अंदर पॉलन ग्रेन इस स्टेज पर रिलीज हो जाते हैं, क्लियर। सो गाइज आज हमने सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स तक की बात करी है, ठीक है, ये वाली चीज़ लेयर वाली करेंगे नेक्स्ट क्लास में तसल्ली से, आज ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं खींचने वाला और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको हल्का सा रिकैप देता हूँ कि आर्किस स्पोरल सेल जो होता है आपके अंतर के अंदर वो डिवाइड करता है माइटोसिस से, बनता है पैराटल और स्पोरोजेनस सेल, स्पोरोजेनस सेल जो होता है वो बनता है टूवर्ड द इनर साइड, पैराटल बनता है टूवर्ड द आउटर साइड, स्पोरोजेनस सेल बनाएगा स्पोरोजेनस टिश्यू बाय माइटोसिस और पैराटल सेल बनाएगा बहुत सारी लेयर, तीन लेयर कौन कौन सी, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनके जो सेल्स हैं वो मैच्योर होकर बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, एंड देन वो सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस से और बनाते हैं चार माइक्रोस्पोर जो कि एक टेट्राड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वहीं से चालू होती है हैप्लोइड की कहानी। उसके बाद वो चारों अलग नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव बीन सराउंडेड बाय अ लेयर नॉन एज कैलोस वॉल और वो जो लेयर है देन बाद में डिजॉल्व हो जाती है, एंड देन जो वो जो तुम्हारे माइक्रोस्पोर वो अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद उनके अंधारे के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। कैसे, बाय माइटोसिस बनाते हैं दो तरह के सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव, जनरेटिव जाता है वेजिटेटिव सेल के अंदर एंड देन वहाँ पर वो दोनों मस्त रहते हैं, एंड देन हम देखा जनरेटिव सेल क्या करता है, फंक्शन उसका टू फॉर्म द मेल गैमेट्स, और एक जनरेटिव सेल से कितने बनते हैं मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बनते हैं, प्लॉइडी दोनों के सेम है एन और एम। फिर हमने देखा टू सेल और थ्री सेल स्टेज कैसे याद करने, आपको जुगाड़ मालूम पड़ेगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो सही लगी हो, लगा के काम चला हुआ है तो एक लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप, मैंने बता रखा है कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ जाकर विनय बारजी 11 टाइप करिए, आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, जाकर आप वहाँ से कोई भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, राइट। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले धारावाहिक में इन्हीं अच्छी शक्लों के साथ, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बारजी, टाटा बाय बाय, शब्बा के।